देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी कि दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल जब मिक्स हो जाएं तो वो उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है। तो ये बेसिकली सेंटर एटम की स्टोरी होती है, दो एटम्स में नहीं, कि जब जहां पे दो से ज्यादा एटम हो तो जो सेंटर एटम है ना वो सभी अपने ऑर्बिटल में चेंजेस लेके आता है, मिक्स करता है। दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैंने गेस्ट की एग्जांपल दी थी कि आपका घर मान लीजिए सेंटर है, आपके गेस्ट आने हैं तो आप अपने घर में कुछ चेंजेस करते हो गेस्ट को रेस्ट करवाने के लिए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए। सो धीरे धीरे मैंने बताया था आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कि एक एस और एक पी ऑर्बिटल हो जाए तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, उसको इस तरह से दिखाएंगे, ये ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं। sp2 हो जाए तो टोटल तीन हो गए, तो देखो टोटल तीन लोब बने, 1 2 3, और ये ट्राइगनल प्लेनर बना। और इसी तरह से sp3 हो जाए तो टोटल फोर हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल वे में चला जाता है। अगर sp3d हो जाए तो ट्राइगनल बायपिरामिडल, इसमें चार थे तो वहां पे पांच आ जाते हैं। तो हम इसकी भी डिस्कशन धीरे धीरे आगे करेंगे, क्योंकि तो अभी हमारा मेन टारगेट है कि हमें हाइब्रिडेशन आ जाए, मेन समझ में आ जाए, निकालनी आ जाए बस। उसके बाद मैंने ये लोब डायग्राम्स आपको दिखाई थी, टू मतलब sp2, अपना टू का मतलब sp, थ्री टू जैसे एक s और एक p तो दो हो गया ना, यानी सेंटर एटम दो बॉन्ड बनाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये बिना लोन पेयर वाले हैं। अगर सेंटर एटम तीन बॉन्ड बनाए, तीन मतलब sp2, सो ये हो गया आपका, ये इस तरह से अरेंजमेंट आएगा जिसे ट्राइगनल प्लेनर कहते हो। अगर फोर हो जाए, फोर मतलब sp3, तो टेट्राहेड्रल। तो ये बिल्कुल वही चीज है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, और ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स बनाई हैं ताकि आप इमेजिन कर पाए कैसे हैं। तो ये धीरे धीरे समझ में आती है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको मैथड सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि जो भी मॉलिक्यूल देंगे आप उसकी स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड शो कीजिए, शो करने के बाद सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी दिखाइए, और काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर पाई बॉन्ड को इग्नोर करना है। उसके बाद आपने टोटल चेक करना है, अगर टोटल टू आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन, थ्री आया तो sp2, फोर आया तो sp3, फाइव आया तो sp3d। इन टॉपिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन अब आपको दिखाऊं इसके ऊपर, तो ये तो कुछ मैंने इस तरह से सिखाया था कैसे करना है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है डिस्क्राइब डिस्क्राइब चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी ऑफ एल्युमिनियम एटम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पेपर में ऐसे आ सकता है कि बताइए क्या चेंज है। तो आपने इसमें क्या करना है, वही सेम आपने स्ट्रक्चर बनानी है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, प्रैक्टिस की होगी तो बनेगी। अब देखो AlCl3, AlCl3 plus Cl negative give AlCl4 minus। अब AlCl3 ना सेंटर एटम है एल्युमिनियम, डॉट स्ट्रक्चर बना के देखो, एल्युमिनियम के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इस तरह से तीन क्लोरीन अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब इसकी हाइब्रिडेशन बताओ, सिग्मा 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 लोन पेयर है नहीं, और अपना वो भी नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो टोटल आ गया थ्री। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हुई बेटा, sp2 हो गई। बोलो सेंटर एटम की हाइब्रिडेशन sp2 हो गई ना, बोलो बेटा। यस सर। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन अकेला एटम है, मैंने बताया था अकेले एटम में हाइब्रिडेशन नहीं होता, हाइब्रिडेशन हमेशा सेंटर एटम प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे सेंटर एटम नहीं है, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे चार बॉन्ड बने हैं, यानी एल्युमिनियम चार बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा तो इस तरह से क्लोरीन अरेंज हो जाएंगे। अब अभी भी लोन पेयर नहीं है सेंटर एटम पे, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया होगा। अब बनाओ सिग्मा 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 सिग्मा, अब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल थ्री आ रहा था, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, लोन पेयर तो है नहीं तो लोन पेयर को छोड़ दो, पाई बॉन्ड है नहीं, पाई को तो वैसे ही हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो है उसी का टोटल ले लो, कितने हैं टोटल फोर। क्या बनी बेटा हाइब्रिडाइजेशन, याद आया क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp3। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या था क्वेश्चन, था कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है एल्युमिनियम में कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज बताओ। तो यस इट इज चेंजिंग,
on the reactant side, aluminium has hybridization sp2 and after reaction it is showing hybridization sp3. बस इतना ही लिखना था, आ गया समझ में? नोट कीजिए जरा, नोट करके डन बोलिए। देखो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी उसी से रिलेटेड ही कुछ, हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है इसको आप ट्राई कीजिए। देखिए जी क्वेश्चन है, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी एंड एन बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब यहाँ पे भी रिएक्शन दे दी है। अब रिएक्शन देख के डरो नहीं, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ जैसा आपको सिखाया था। पहले इसको खुला खुला लिख लेते हैं, BF3N के साथ H3 रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ये रिएक्ट कर रहा के बनाता है F3B डॉट। डॉट का मतलब होता है बॉन्ड, याद रखना ये डॉट है ना, डॉट का मतलब होता है बॉन्ड NH3। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको हिंट दिया ना, डॉट देख के घबराना जाना, ये मल्टीप्लाई ना समझ लेना, मतलब ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब BF3 की स्ट्रक्चर बनाओ, तो बोरोन में सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं होता, तो ये तीन बॉन्ड बनाएगा, तो तीन बॉन्ड बनाएगा तो ये बन गई स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो बताओ क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन बेटा, यहाँ बोलो बच्चों क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा sp2। यस, एक दो तीन है तो sp2। ओके अब आ जाओ प्लस NH3। अब NH3 की स्ट्रक्चर बनाओ, याद है ना N के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो ये बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ये रहा बॉन्ड, ठीक है। अब एक दो तीन और ये लोन पेयर भी काउंट करना है, तो सिग्मा हो गए 3, लोन पेयर हो गया 1, टोटल हो गया 4। तो आपको मैंने बताया था कि अगर लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ सिग्मा काउंट कर लो, लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी टोटल में लेना है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, sp3। बोलो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, ये जो आपका बोरोन है ना, इसके सेंटर एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 गेन कर सकता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। मतलब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से है, ये एक बॉन्ड इधर बन गया, यानी जो ये लोन पेयर है इसको ट्रांसफर कर दिया, जब रिएक्शन हो गई ना तो ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम। देख लो 3 बॉन्ड हैं और बोरोन के भी 3 बॉन्ड है। अब बताओ जरा हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की, सिर्फ बोरोन। अब यहाँ पे 2 सेंटर एटम हो गए, बोरोन एंड नाइट्रोजन, तो सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ पे बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। नाइट्रोजन की यहाँ पे लोन पेयर था, ये शेयर होके बॉन्ड बन गया, तो ये सिग्मा कॉमन हो गया, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये भी हो गया sp3। अब क्वेश्चन देखो क्या था, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी एंड एन, तो आंसर है यस। बोरोन का रिएक्शन से पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, नाइट्रोजन का sp3 था, रिएक्शन के बाद में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर मेक अ बॉन्ड, बट नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका लोन पेयर शेयर हो जाता है, तो लोन पेयर इसके पास भी है, इसके पास मतलब बॉन्ड की फॉर्म में शेयर हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड इसके लिए भी काउंट हो गया, इसके लिए भी काउंट हो गया, तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है इवन आफ्टर द रिएक्शन, बट बोरोन के बॉन्ड ही 4 हो जाते हैं, पहले 3 थे अब 4 हो जाते हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में फर्क पड़ जाता है। तो पेपर में इतना ही लिख के बताना है, बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए जी बेटा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक क्या है कि ये हाइड्रोजन लिखते लिखते ना मैंने एफ को भी हाइड्रोजन लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था बेटा, मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये डिनोशन में फर्क आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखना चाहिए था फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है। चलिए इसको अब आप नोट कर लीजिए बेटा जल्दी।